एक नदी किनारे जंगल में कालू नाम का एक कौआ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कालू कौआ एक छोटे से कारखाने में काम करता था। कालू की पत्नी टुनटुनी अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी क्योंकि वो उसे कभी महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन कालू कौआ देर से घर लौटता है। इतनी देर तक कहाँ थे जी आप? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाने वाले थे। कब से मैं तैयार होकर बैठी हूँ, आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपका तो पता ही नहीं। इतनी रात का आ रहे हो, तुमने कभी मुझे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। अब जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे टुनटुनी, केवल तुम ही बोलती रहोगी या मेरी भी बात सुनोगी? आज मेरे ऑफिस में मेरी नई बॉस आने वाली थी, उसी की स्वागत की तैयारियों में लगा था। तो जाओ अपनी नई बॉस के पास जाकर उसका स्वागत करो। यहाँ क्या करने आई हो? इतना कहकर टुनटुनी चुड़िया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चुड़िया काफी देर तक सोई रहती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कब तक सोई रहोगी? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी करो। क्या कहा? तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जाओ जाकर अपना नाश्ता खुद से बना लो। है भगवान, ये तूने कैसी पत्नी दे दी है मुझे, बात बात पर रूठ जाती है। लगता है आज मुझे भूखा ही कारखाने जाना पड़ेगा। कालू कौआ बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में उसकी नई बॉस उसके पास आती है। अरे कालू, तुम यहाँ बैठे हो, लंच करने को नहीं जाना क्या? नहीं मैम, आज मेरा मन लंच करने का नहीं है। ऐसी क्या बात है? ऑफिस की कोई टेंशन है तो मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं मैम। तो चलिए, हम दोनों आज साथ में लंच करेंगे। ना चाहते हुए भी कालू कौआ लूसी के साथ लंच करने लगता है। कालू जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत लालची है, हर दिन नए नए डिमांड करती है। कल मैं उसे फिल्म दिखाने नहीं ले जा सका, जिसके चलते वो रूठ गई। अच्छा, तो ये बात है। इस तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन कालू कौआ ऑफिस में काम कर रहा था, तभी लूसी वहाँ आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। आप ये कैसा मजाक मुझसे कर रही हैं? मैं आपसे शादी? नहीं नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी घर पर है। लूसी कालू की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और एक प्लान बनाती है। उसे पता था कि कालू की पत्नी लालची है। अगले दिन वो कालू के घर जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर पर अकेली थी। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति कालू की बॉस लूसी हूँ और मैं आपके पति से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी, जिससे आप अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। तो ठीक है, आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और मेरे पति से शादी कर लो। दोनों की डील पक्की हो जाती है। जब रात को कालू कौआ अपने घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, मैं कहती हूँ तुम अपनी बॉस लूसी से शादी कर लो, इसके बदले वो मुझे 1,00,000 रुपए देने वाली है, वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं। इस तरह जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी कालू को लेकर विदेश जाने लगती है। अपने पति को जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो कालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं टुनटुनी, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ इन रुपयों से अपने सारे शौक पूरे करो, अब मैं तुम्हारा पति नहीं, अब मैं लूसी का पति हूँ। कालू कौआ लूसी कबूतरी के साथ विदेश चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया रोती रह जाती है। सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। आस पड़ोस के पक्षी भी उसे ताने देने लगे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, तब उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी तीखी जुबान में कहती है,
अरे टुनटुनी बहू, अब तो तेरी शादी के कई साल गुजर गए लेकिन तू अभी तक माँ नहीं बनी। लगता है तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो सुंदरी कौवी से कहती है, हाँ काकी, डॉक्टर बुलबुल को दिखाया है, अब तो जब भगवान चाहेंगे तभी माँ बनने का सुख मिलेगा। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, मेरा पोता रो रहा है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी की बातें सुनकर बहुत रोना आता है। वो सोचती है, सुंदरी कौवी मुझे संतान न होने का ताना दे रही थी, मैं क्या करूँ, मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ, मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है, पर लगता है नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू लगता है मैं अपने पोता पोती को देखे बगैर ही मर जाऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे का ब्याह तुमसे कराया था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है जो ये बांझ बहू हमारे खूटे से बांध दी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की जली कटी सुनकर रोने लगती है। और अपने घोंसले में चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस घर को वारिस मिल जाए, क्यों ना मैं बंटी कबूतर की दूसरी शादी करा दूं। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बंटी की दूसरी पत्नी का जो बच्चा होगा उसे ही मैं माँ का प्यार दूंगी। टुनटुनी जाकर अपनी सास को ये बात बताती है। टोनी चिड़िया तो ये बात सुनने के लिए तैयार बैठी थी, वो झट से टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेती है और इस तरह बंटी कबूतर की दूसरी शादी हो जाती है। जब नई दुल्हन घर में आती है तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहू जल्द से जल्द तू इस घर को वारिस दे दे, अब तुझसे ही उम्मीद है। नई दुल्हन शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इसी तरह एक महीना हंसी खुशी से गुजर जाता है और बंटी कबूतर की नई पत्नी पिंकी चिड़िया माँ बन जाती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी बच्चे को गोद में लेने जाती है, तभी पिंकी चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुझे यहाँ रहने भी नहीं दूंगी मनुष्य पिंकी। बंटी कबूतर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था लेकिन वो अपनी नई पत्नी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, आप देख रहे हैं न जी, ये क्या बोल रही है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, मेरी नई पत्नी ठीक ही तो कह रही है, निकल जा तू इस घर से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। उस रात अपने पति का ये बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और हमेशा हमेशा के लिए बंटी कबूतर को छोड़कर जाने की सोचती है। जिस पति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया उसी ने आज मुझे घर से बाहर निकालने की बात कही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। ध्यान से तेल छिड़कना, कहीं उठ ना जाए, अगर इसकी आंख खुल गई तो शोर मचा देगी। आप चिंता मत करो, मैं उसका लालटेन नीचे गिरा दूंगा, सब सोचेंगे लालटेन से आग लगी है, हम पर किसी को शक नहीं होगा। टुनटुनी गहरी नींद में सो रही थी। बंटी पूरे घोंसले में तेल छिड़क देता है और लालटेन नीचे गिरा देता है। आग पूरे घोंसले में फैलने लगती है। बंटी तभी बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। माँ ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है जाम हो गया है, मुझे नहीं मरना माँ, कोई बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो बचाओ। अजी सुनिए, ये आग कैसे लग गई? आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बंटी मेरे बच्चे, तू दरवाजे को धक्का मार खुल जाएगा। माँ शायद हमारे पापों की सजा हमें मिल रही है, टुनटुनी माँ और मैं तुम्हें जलाकर मारना चाहते थे लेकिन आग तुम्हें छू भी नहीं रही है, ये मेरी ओर आ रही है, मैं नहीं बचूंगा। हे देवी मैया, इनकी भूल को क्षमा कर दो, अपने सुहाग के बिना मैं भी मर जाऊंगी, अपना क्रोध शांत करो देवी मैया, दया करो मैया, नहीं तो मैं भी सर पटक पटक के आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। और फिर टुनटुनी की विनती सुनकर देवी मैया का क्रोध ठंडा हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है। देवी मैया की जय हो, टुनटुनी आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बचे हैं, मुझे माफ कर दो, घोर पापी हूँ मैं। टुनटुनी
टुनटुनी सभी को माफ कर देती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके मायके से उसकी माँ का कॉल आता है। टुनटुनी बेटा, तुम्हारे भाई चिंकू की शादी तय हो गई है और शादी अगले महीने है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। शादी की बात सुनकर टुनटुनी की बेटी पीहू बोलती है, माँ मामा की शादी है और हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तू चिंता क्यों करती है बेटी, मैं शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दूंगी। लेकिन तुम कहाँ से खरीदोगी माँ, घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मैं कल से की तुम्हें काम करूंगी और उससे जो आमदनी मिलेगी उससे तेरे कपड़े खरीद दूंगी। क्या माँ, सुबह से शाम तक तो काम करती रहती हो, अब खेतों में भी काम करोगी? बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद काम कर लूंगी, तुम लोग अभी पढ़ाई करो। लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगले दिन, बच्चों मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम धूप में मत खेलने जाना। माँ मैं तो खेलने नहीं जाऊंगी, लेकिन गोलू मेरी बात नहीं मानता। कैसे नहीं मानेगा, मैं उसे अभी समझा देती हूँ। देख गोलू, तुम धूप में मत खेलना। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊँगा, अब जाओ। टुनटुनी के खेत में काम पर जाने के बाद पीहू, मैं खेलने जा रहा हूँ, अगर तूने माँ से चुगली की तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। तुझे माँ ने मना किया था ना, तो फिर क्यों खेलने जा रहा है? रुक, मैं माँ को अभी बता कर आ रही हूँ। ठीक है, तुझे बताने, मैं चला खेलने। पीहू बार बार माँ को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। गोलू चिड़ा खेलते खेलते अचानक बेहोश हो जाता है। गोलू का दोस्त उसे घर लेकर आता है। पीहू दीदी देखो, गोलू को क्या हो गया? मुझे गोलू को नहीं देखना, मैंने तो मना किया था, फिर भी ये धूप में खेलने गया, धूप लग गई होगी। अब भुगते, माँ ने भी इसे बहुत समझाया था लेकिन इसने माँ के प्यार की भी लाज नहीं रखी। चलो इसे बेड पर सुला दो। हेलो माँ, देखो ना माँ, गोलू बेहोश हो गया है। ये तो क्या कह रही है, मैं घर जल्दी आ रही हूँ। टुनटुनी तेजी से उड़ते हुए आती है। माँ देखो ना, मैंने बहुत मना किया था लेकिन ये जबरदस्ती चला गया था। ठीक है बेटा, तो चिंता मत कर, गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गया, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, तू जाकर खाना बना ले। माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हारे इतना मना करने पर भी मैं धूप में खेलने चला गया, लेकिन मैं कभी भी धूप में खेलने नहीं जाऊँगा। शाबाश मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब गोलू और पीहू बड़े हो गए थे। एक दिन गोलू टुनटुनी के पास आता है। माँ हमें ये घर बेच देना चाहिए। कैसी बात कर रहा है बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है, मैं मरते मर जाऊंगी पर ये घर कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ तुम ये घर कैसे नहीं बेचती हो। गोलू तू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है, तुझे जो करना है कर ले, पर मैं ये घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, तुम इस हौसले में रहो, मैं जा रहा हूँ। बेटा तू कहाँ जा रहा है, मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर? अभी तो तेरी बहन की भी शादी नहीं हुई, मैं क्या करूँ? ले देकर मेरे पास यही एक घर है, तू इसे भी बेचने को कह रहा है, मुझे छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जैसे गोलू घर से बाहर निकलता है उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी बाहर आती है और उसे उठाती है। देख बेटा ये भगवान का इशारा है, तू अपनी माँ को छोड़कर मत जा, अगर तू मुझे छोड़कर गया तो वापस जिंदा नहीं आएगा और मैं फिर तेरे पापा के पास चली जाऊंगी, फिर तू अकेले इस घर में इधर उधर घूमते रहना। माँ मरने की बातें मत करो, मैं भटक गया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। गोलू तूने सही किया, अगर तू चला जाता तो माँ जिंदा नहीं रहती। चल अब चल कर खिचड़ी खा ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों आज के लकी विनर्स के नाम ये रही आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी के मायके में किसकी शादी थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को